अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ऑडी ए 4 2015 मॉडल को ऑयल चेंज करना बताएंगे कैसे किया जाता है। देख कितना स्टिकी और ब्लैकिश, टू मच कंटेमिनेशन इट हैज, बहुत सारी कंटेमिनेशन इकट्ठी हुई है। इन्होंने पता नहीं, मालूम नहीं कब से ऑयल चेंज नहीं करवाया हुआ। ऑडी ए 4 का एयर फिल्टर हम खोलना आपको दिखा रहे हैं। इसके हमने 6 वोल्ट खोले, स्टार की वाले खोल करने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ये इसका एयर फिल्टर निकाला, देखें ये इसकी क्वालिटी जेन्युइन है, मेड इन इटली है। इसके लिए इन्होंने फॉर्म भी लगाया है डबल डिफाइन करने के लिए हवा को, ठीक है। ये हमने इसको हवा लगेगी, अभी ये मज़ीद 5 से 10,000 किलोमीटर चल सकता है। देखें रिफ्रेशर, हमने एयर फिल्टर को हवा लगा ली और इसके अंदर कंटेनर्स को अपने हिसाब भी किया और फला भी हवा भी लगाई और इसमें बहुत सारे देखें ना लीव्स, दरख्तों के पत्ते निकले। अब ये हम एयर फिल्टर इसके अंदर रखा है, बड़े ईजीली फिटिंग। अब इसका ये बॉक्स है, इसको हम लगाएंगे बड़े ईजीली बड़े एहतियात से। ये देखिए, तमाम बोल्ट अपने अपने होल में जाने चाहिए। पहले हाथ से आप टाइट करें, ठीक है। 6 बोल्ट हैं इसके, राइट एंड लेफ्ट करके इस तरह नीचे जाते हुए ले। रिस्पेक्टिव व्यूअर, आपको बताते हैं कि इसके 6 स्क्रू हैं एयर फिल्टर बॉक्स के। ये इस पाइप, इनटेक पाइप के नीचे 1, इस तरफ 2, ये 3, जहाँ पर जब उंगली जा रही है 4, 5 और 6, इन्हें आपने स्टेप बाई टाइट करना है और इसको पहले चढ़ा लें। इसकी टाइटनेस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर ये एयर आउटसाइड एयर लेगा तो फिर इंजन चेक लाइट ऑन हो सकती है, क्योंकि ये सेंसर्स के साथ मजयन होता है। सब का होल देख रहे हैं इसके अंदर, ये आप देखें इसका ड्रेन प्लग है, ठीक है। इसमें आप लगाएं, पहले हाथ से इसको टाइट करेंगे। बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म का बोल्ट मैंने लगाया है इसको, इसको एक स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया जाएगा। ये स्क्रू, ये देखिए, ये ऐसा है कि लॉक हो गया, इसने ना आगे जाना है ना बाहर निकलना है, ये लॉक हो जाता है। ये आप थोड़ा सा इसको नज़दीक ला के देखेंगे तो आप देखें ये एक लॉक में बैठ गया है। मैं आपको एक दफ़ा फिर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये देखें, ये खुला, ये इसका लॉक खुल गया। अब जब इसको गया तो ये फिट हो गया इसके अंदर, ओके। एंड रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज हम इस ऑडी A4 2015 मॉडल के अंदर आपको किक्स 5W40 पॉली एल्कोहलिन बेस, पूरी सिंथेटिक बेस के साथ इसमें डालेंगे, मन करेंगे इसको। और आप देखें कि फॉर्चुनेटली ये वॉक्स वैगन वालों का पार्ट नंबर आप देख सकेंगे इसके ऊपर, ये रिकमेंडेड बाय वॉक्स वैगन और ऑडी दोनों की तरफ से इस मॉडल के लिए रिकमेंडेशन है। ये फ्यूल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा ऑयल है, इंजन की क्लीनलीनेस, मेटल प्रोटेक्शन और लॉन्ग रेंज है। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो इस गाड़ी के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम केक्स पाओ 5W40 द बेस्ट चॉइस फॉर दिस ऑडी इंजन। इट हैज सो मैनी बेनिफिट्स फॉर इंजन लाइफ, फ्यूल इकोनॉमी, मेटल प्रोटेक्शन, लॉन्ग ड्रेन, इसके अंदर बेहतरीन डिस्पर्सेंसी है, स्लज रिमूविंग बहुत अच्छा करता है ये ऑयल, इंजन की स्लज को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एंटी फोम है, एंटी स्टेन, एंटी ऑक्सीडेंट, इसमें जो सबसे यूनिक एडिटिव है वो ZDDP पॉली एल्कोहल के साथ जब इसको ब्लेंड किया जाता है तो बेहतरीन मेटल प्रोटेक्शन देता है ये, आप ये देखें। और इसका टोटल जो सम पर है क्वांटिटी कैपेसिटी वो है 4.6, ओके।
बाकी 6-7 ml हम 1 लीटर का कैन खोल कर ये देखें डाल रहे हैं। आपको कैन नज़र आ रहा है पाओ, इसको हम देखेंगे। जो है सम टाइम जो होता है कि इसके ड्रेन बोल्ट को नहीं खोला जाता क्योंकि ये बोरियस काम है, और इसके लिए फिर मोस्टली पीपल क्या करते हैं, मोस्टली लोग यह करते हैं कि इसमें एक वो जिनी होता है सकिंग मशीन से इसमें एक पाइप डालते हैं, उससे सक कर लेते हैं, ऑयल को चेंज कर देते हैं। मगर आपको अल्टीमेटली 3-4 ऑयल के बाद एक दफ़ा नीचे ऑयल ड्रेन बोल्ट सम से खोल कर एक दफ़ा ड्रेन करना, क्योंकि जो पाइप होता है वो एक पॉइंट से सिर्फ ऑयल उठाता है, बाकी जगह से वो नहीं उठा सकता, क्योंकि जिस वजह से वहाँ जो है ना कंटेमिनेशन रिजाइड करती रहेंगी नीचे। तो लिहाजा आपको 3-4 ऑयल के बाद एक दफ़ा मस्त ड्रेन बोल्ट से इसको ड्रेन करना होगा। आपको इसको देखें वॉश करता दिखाएंगे। ये आप नासा के बेहतरीन कार्बोरेटर क्लीनर से साफ करें, पेट्रोल मिट्टी से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, किसी किस्म की कोई डर्ट तार सूट वार्निश पे रहती ही नहीं, अंदर से भी और बाहर से भी जैसे देखिए चमक रहा है। लाइक इसकी अपीयरेंस आपकी होगी। आप इसके अंदर हम ऑयल फिल्टर डालेंगे, फिल्टर हमने फिट किया पाओ का ही। जी अब हम इसके अंदर फिल्टर को माउंट कर, ये आपका ऑयल फिल्टर इसके अंदर माउंट किया जाएगा। ये बिल्कुल स्मूथली टाइट होना चाहिए, उसी किस्म की टेर पान इसमें नहीं होना चाहिए, कोई टिल्ट पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि बिल्कुल हाथ से टाइट होना चाहिए। जी ये टैचेट और ये गोटी नंबर 32 इस पर लगेगी। ये देखें अब बड़े स्मूथली टाइट होना चाहिए, यहाँ टाइट हो वहाँ छोड़ दें। ओके ओके, इनके अंदर जो इंजेक्शन पिन आपने ये देखनी है, ये बड़े इजीली इसके साथ आपने करना है। ये देखें एक जब फिट हो जाएगी बाकी ऑटोमेटिकली खुद ही फिट होंगी। दूसरी दो साइड सेकंड साइड जो है वो खुद खुद फिट हो जाएगी। ओके ओके सर, थम्स अप जॉब डन। आज हमने आपको कंप्लीट व्यूअर्स, आज आपको ऑडी का ऑयल चेंज कर दिया हमने आपको सिखाया और बताया। आपको किसी किस्म की ऑयल रिकमेंडेशन के बारे में, ऑयल चेंज के बारे में किसी किस्म की क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं तो अलकादर दफ्तर से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको ओपिनियन दे दी जाएंगी। और उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।